रीता पकवान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही के पराठे। ये जितना भी आप सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा दही के पराठे, लेकिन दही के पराठे सुनने में जो अजीब लगता है लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी और उतना ही डिलीशियस, जो बच्चे बड़े सब पसंद से खाते। इसके लिए बनाने के लिए मैं दही के पराठे बनाने के लिए देखिए आधा किलो आटा ली हूँ, और आटा में डालने के लिए मैं 150 ग्राम करीब दही ली हूँ। दो प्याज बारीक बारीक काट करके चॉप करके रखी हूँ। 7-8 हरी मिर्च बारीक बारीक काट के रखी हूँ। धनिया पत्ती भी मैं चॉप करके रखी हूँ। चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, नमक, अजवाइन, जीरा का पाउडर, कसूरी मेथी और हल्दी और मोहन के लिए घी। हल्दी देखिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहिए तो डाल भी सकती हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी डाल सकती हैं, उसको स्किप भी कर सकती हैं। और ये जितना आवश्यकता अनुसार आपको दही उसमें डालना और पानी डालना, ज़्यादा दही से ही इसे मैं गूंथूंगी और जितना रिक्वायरमेंट होगा उस अनुसार मैं पानी डालूंगी। सबसे पहले देख के मैं दही डाल दूँ। बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, देखिए हरी मिर्च जो मैं चॉप करके रखती हूँ, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच जो ली हूँ, कसूरी मेथी, हल्दी 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ। अगर आपको हल्दी डालना हो तो डालिए, नहीं तो इसको ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकती है। अब मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अजवाइन को देखिए क्रश करके मैं डाल रही हूँ। क्रश करके डालने से अच्छा फ्लेवर आता है। नमक आवश्यकता अनुसार, जैसा आप खाती हैं स्वादानुसार आप नमक डालिएगा। घी मोम के लिए डाल रही हूँ। आप घी के जगह आप रिफाइंड तेल भी यूज कर सकती है, घी का मोयम ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए अच्छी तरह से इसको सब मिक्स करना है। ये पराठा देखिए, दही का पराठा इतना टेस्टी बनता है, बच्चे भी आराम से खाने का। अभी कभी भी ज़रूरत है घर में और कुछ भी नहीं हो, तब अगर सिर्फ दही हो तो आराम से ये बना करके ये पराठा बना सकती है और खा सकती है, बच्चों को खिला सकती है, बच्चों को टिफिन में भी दे सकती है, अपने हस्बैंड को ऑफिस में भी ले जाने के लिए लंच पैक कर सकती हैं। दही का जो खटास है इसके कारण इसमें चटनी और सब्जी का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगैर चटनी और बगैर सब्जी का भी पराठा। देखिए आटा मैं अच्छी तरह गूँथ ली हूँ। इसी तरह से हार्ड गूँथना, सख्त गूँथना, इसको नरम और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूँथिएगा। इसी तरह से हार्ड और सख्त रहेगा तो पराठा एकदम खस्ता बनेगा। अभी से रेस्ट में देखिए 1 घंटा के लिए रख दूंगी, उसके बाद तभी पराठा बनाऊंगी। चलिए दही का पराठा बनाना मैं शुरू कर रही हूँ। और देखिए आटा 1 घंटा रेस्ट हो गया, और मैं 1 लोई निकाल करके बना करके दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है। पराठा का ज़्यादा देखिए मोटा भी नहीं बनना, ज़्यादा पतला भी नहीं बनना। इस तरह से करके मैं इसको फोल्ड करूँगी, ऊपर से फिर घी लगा दूँ। घी लगा करके देखिए ऐसा करके मोड़ना, मोड़ करके इस तरह से किया। दही का पराठा बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छी लगेगी खाने में आपको। देखिए इसको तवे पर मैं डाल रही हूँ। देखिए पराठा एक साइड हो गया और मैं दूसरे साइड पलट रही हूँ। और ये पराठा देखिए आपके घर में, सबके घर में तो दही होता ही है, कभी भी पराठा ये बना के खा सकती है। अब दूसरे साइड भी देखिए हो गया, मैं घी लगा रही हूँ। घी के जगह आप मक्खन या रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकती हैं। और ये बहुत पौष्टिक और हेल्दी नाश्ता बन करके देखिए तैयार। पराठा बन करके बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म पराठा आलू का सब्जी के साथ। अगर सब्जी नहीं हो तो इतना अच्छा टेस्टी पराठा लगता है कि बिना बगैर चटनी और बगैर अब सब्जी के साथ खा सकती हैं और कभी भी बना के खा सकती हैं। आशा करती हूँ जरूर से बना के आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से नए वीडियो में मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।